हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मुल्कराज आनंद। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। मुल्कराज आनंद की अगर हम बात करते हैं तो मुल्कराज आनंद जो है वो फादर ऑफ़ इंग्लिश नावल के नाम से जाना जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हु इज़ नोन एज़ फादर ऑफ़ इंग्लिश नावल, तो ही इज़ मुल्कराज आनंद एंड ही इज़ ऑल्सो नोन एज़ द डिकेट ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया के डिकेट जो है वो किनको बोला जाता है, वो मुल्कराज आनंद को ही बोला जाता है। उसके बाद अगर हम बर्थ की बात करें तो 12 दिसंबर 1905 में जो इनका बर्थ हुआ था। एंड ही इज़ ऑल्सो इंक्लूड इन द ट्राय ऑफ इंग्लिश फिक्शन। मुल्कराज आनंद, राजा राव और आर के नारायण, इन तीनों को जो है ट्राइंगल ऑफ इंग्लिश फिक्शन या फिर ट्राय ऑफ इंग्लिश फिक्शन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम फादर की बात करते हैं, इनके जो फादर हैं उनका नाम था लालचंद, जो कि हेड क्लर्क थे ब्रिटिश आर्मी में। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपने याद रखने इनके बारे में। उसके बाद ही इज़ फ्रॉम पंजाब, वो पंजाब से बिलोंग करते थे और इन्फ्लुएंस थे अपने वर्क में प्रेमचंद्र और टैगोर से। ठीक है, जो उनका जितने भी उन्होंने वर्क लिखे हैं उनमें वो जो किससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, तो प्रेमचंद्र और टैगोर से इंस्पायर थे। स्टडी की बात करें तो खालसा कॉलेज में जो है इन्होंने स्टडी की और वहाँ पर यास्मीन नाम की गर्लफ्रेंड थी इनकी। ठीक है, यास्मीन, जो कि आपने याद रखना है कि याश्मिन जो है वो इनकी गर्लफ्रेंड थी। उसके बाद ही वर्क एज अ ब्रॉडकास्ट एंड स्क्रिप्ट राइटर इन बीबीसी लंदन। बीबीसी लंदन में उन्होंने स्क्रिप्ट राइटर और ब्रॉडकास्ट जो है के रूप में जो उन्होंने काम किया। और 1950 में ही गॉट मैरिड बाय शीरीन वजीबदार, जो कि एक डांसर थी जिनके साथ इन्होंने शादी की। तो ये तो इनका पर्सनल डिटेल थी। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही मैं आपको बता रही हूँ। अब हम इनके वर्क की बात कर लेते हैं। फेमस वर्क जो है इनका, फेमस नॉवल जो है वो कौन सा है, सबसे इम्पोर्टेंट अनटचेबल, जो कि इनका फर्स्ट नॉवल था, 1935 में आया था। ठीक है, और स्टोरी है एक बाखा नाम के लड़के की, जो 18 साल का स्वीपर होता है जो लोगों के घरों के टॉयलेट साफ करता है। लाखा जो है इसके पापा का नाम होता है और दोनों का काम जो है वो यही होता है। इसमें अनटचेबल में जैसे आप देख रहे हो जो हायर कास्ट, अपर कास्ट और लोअर कास्ट के का जो रिलेशन है वो इसमें दिखाया गया है। कैसे जो अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट के लोगों से बिहेव करते हैं, तो किस तरीके से जो बाखा नाम का लड़का है वो कैसे परेशान हो जाता है उनके इस बिहेवियर से, और उसकी जो क्या सोच उनके प्रति बन जाती है, तो वो सब दिखाया है। कितना उसको स्ट्रगल करना पड़ता है, लोग उसको रोटी फेंक के देते हैं, पीजेंट जो होता है एक पुजारी जो होता है, ठीक है, फिर जो होता है वो जो है उसकी जो सिस्टर होती है उसके साथ गलत काम करता है। ठीक है, उसको सड्यूस करने की कोशिश करता है। तो वो सारी चीज़ें इस नॉवल में जो है वो दिखाई गई हैं। ठीक है, मेन जो है अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है ये। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसका प्रीफेस जो है वो अनटचेबल का, वो किसके द्वारा लिखा गया, वो ईएम फ्रोस्टर के द्वारा लिखा गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि ईएम फ्रोस्टर जो इनके बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, कि मुल्कराज आनंद का जो नॉवल है अनटचेबल, उसका जो प्रीफेस है वो किसने लिखा है, तो वो किसने लिखा है, ईएम फ्रोस्टर ने लिखा है। उसके बाद सेकंड हमारा नॉवल जो आता है इंपॉर्टेंट, वो आता है कुली। कुली जो है 1936 में लिखा था। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो द स्टोरी ऑफ अ ऑफन बॉय मुन्नो। ठीक है, एक मुन्नो जो है गरीब लड़का है जिसकी कहानी को इसमें बताया गया है, और मुन्नो ही मेन करेक्टर है स्टोरी का, जिसमें जो है पॉवर्टी और एक्सप्लोटेशन को जो है दिखाया गया है कि कैसे जो है इस मुन्नो पर अत्याचार करते हैं। ये अपने चाचा चाची के पास चला जाता है, वहाँ पे भी वो भी लोग इसको टॉर्चर करते हैं। जहाँ काम करने जाता है वहाँ पे भी इसके साथ टॉर्चर होता है। इस टाइप से लास्ट में जो है वो एक जो है इसकी डेथ हो जाती है। तो इस टाइप की जो गरीबी है, पॉवर्टी है, एक्सप्लोटेशन है, उसके बारे में इसको इस नॉवल में दिखाया गया है। और 1972 में जो है साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था मुल्कराज आनंद को, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो लीव्स एंड अ बड। ठीक है, यहाँ पे मिस प्रिंट है थोड़ा सा, मैं लिख देती हूँ लीव्स एंड अ बड। तो ये भी एक नॉवल है काफ़ी इम्पोर्टेंट, जिसमें जो गंगू जो है मेन करेक्टर है। ठीक है, उसके बाद ये भी एक गंगू जो है एक पंजाबी पीजेंट होता है जो असम में रहता है, एंड ही सेव्ड हिज डॉटर फ्रॉम ब्रिटिश सोल्जर्स, वो ब्रिटिश सोल्जर से अपनी डॉटर को बचाता है। तो इस टाइप की जो स्टोरी है वो लीव्स एंड अ बड में है, जो गंगू जो है इसके मेन कैरेक्टर है। विलेज जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि 1939 में लिखा गया नॉवल है। ठीक है, और अक्रॉस द ब्लैक वाटर एंड सोर्ड एंड सिकल, ये जो तीनों हैं, ठीक है, ये जो तीनों नॉवल्स हैं इनको क्या बोला जाता है, ट्रायलॉजी ऑफ मुल्कराज आनंद। ठीक है, ट्रायलॉजी ऑफ मुल्कराज आनंद। ठीक है, तो याद रखना है ट्रेजरी ऑफ मुल्कराज आनंद जो है वो किसको बोला जाता है, वो विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर एंड स्वॉर्ड एंड सिकल, इन तीनों को जो है वो बोला जाता है। उसके बाद आता है बिग हर्ट, 1945 में आया था, सेवन स्टेजेस ऑफ मैन। ठीक है, ये यहाँ पे आप लिखो इनकी जो ऑटोग्राफी है उसका नाम है सेवन स्टेजेस ऑफ मैन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें इन्होंने
कि सेवन स्टेज जो हैं मैन की उनके बारे में दिखाया, लेकिन वो सिर्फ फोर ही जो है वो कंप्लीट कर पाए थे, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है तो वो पूरी नहीं कर पाए। तो चार कौन कौन से हैं, फर्स्ट जो है सेवन समर है, जिन्होंने इसमें जो है 8 ईयर तक की जो लाइफ होती है एक चाइल्ड की उसके बारे में दिखाया गया है। मॉर्निंग फेज जो है उसमें चाइल्डहुड से लेकर एडोलेसेंस तक के जो टाइम होता है वो दिखाया गया है। कन्फेशन ऑफ लव में जो है वो लव और अफेयर, पेट्रोटिक फीलिंग, नेशनल फीलिंग, इन सबको दिखाया गया है। और बबल्स जो होता है इसमें हीरो जो होता है वो कृष्णचंद्र होता है, और उसकी जो स्कॉलर बनने की कहानी है, इंग्लैंड जाने की, वो सारी स्टोरीज में दिखाई गई है। ठीक है, उसके बाद की जो स्टेजेस थी वो मुल्क राजा आनंद पूरी नहीं कर पाए। ठीक है, उसके बाद हम कुछ और नॉवल्स हैं इनके वो देख लेते हैं, जैसे प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंसेस, द ओल्ड वुमन एंड द काउ, द रोड एंड द डेथ ऑफ अ हीरो। ठीक है, ये इसमें जो है मकबूल, डेथ ऑफ द हीरो में जो है वो मकबूल जो है वो हीरो होता है। 1947 की जो वॉर है वो इसमें दिखाई गई है। इसके अलावा जो है मुल्क राजा आनंद जो है वो अपनी शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए भी जाने जाते हैं। ठीक है, शॉर्ट स्टोरी की अगर हम बात करते हैं तो द लॉस्ट चाइल्ड जो है, और बार्बर्स ट्रेड यूनियन है, लाजवंती एंड अदर स्टोरीज़ हैं, हिंदू व्यू ऑफ आर्ट है, डार्क नाइट है, ठीक है, द कोबलर एंड द मशीन। तो ये इनकी जो है कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरी है जो आपने याद रखनी है। आई होप यू लाइक द वीडियो, इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल द फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू शुड लर्न दिस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।